हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। यूके बार एक्सप्लोर दे भूमि में आप सब लोगों को स्वागत छ। तो गाइस, इन हसीन वादियों की तरह आप लोगों की गुड मॉर्निंग भी हंसी और खुशी वाली हो। भगवान से हम यही दुआ कर दा पहाड़ों में रह के कि लगे पहाड़ों में ही देव भूमि का देवता बस्याशन। तो चला गाइस, आज ये वीडियो हम शुरू कर ला बहुत ही अच्छी और मस्त तरीके से, है ना। तो आज वीडियो में कुछ स्पेशल कर ला, कुछ नए तरीके से कर ला और नया एक्सपीरियंस के साथ कर ला। चला फिर मिल ला आप। चला फिर, और तक आप तो बताओ वहाँ पर चारों तरफ को व्यूज आज जो आपको डेट को ये देखा गाइस, ये देखा सुबह की बज गई कम से कम 7-7 बजे गुड मॉर्निंग का टाइम पर जो हमारा पहाड़ का हालचाल हरी भरी गुड मॉर्निंग। तो चला फिर शुरू कर दा आज की वीडियो, मिलता छकने वीडियो में। आज की वीडियो में आज बाइक की सर्विस हो गई यार, क्योंकि इसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है। जब से आई है तब से इसकी ना धुलाई हुई है ना ही इसकी चेन में ऑयल वगैरह पड़ा है। तो पहले इसकी करते हैं सफाई, ठीक है। तो ये छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता हूँ बाइक के, क्योंकि हीरो में काम करने वाले यार, इन सारी चीज़ों का नॉलेज तो अपन को पहले ही है ना। तो जरा जिसकी सफाई करते हैं इसका, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सर्विस सेंटर वाले गाड़ी की सर्विस कम और तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा कर देते हैं। फिर जो नेट गाड़ी पे लगे रहते हैं, जो कंपनी के द्वारा लगे रहते हैं, उन नेटों को वो चेंज करके दूसरे सेट कर देते हैं उनकी जगह। मतलब गाड़ी को धीरे धीरे करके कबाड़ बनाने शुरू कर देते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैंने निकाल दिए हैं स्क्रू। अब निकालता मैं इसका चेन सेट, चेन का सेट होता है जो, इसको निकालूंगा, मड़गाट जिसे कहते हैं, चेन कवर। और चेन कवर को निकालने के बाद फिर इन पार्ट्सों को एक एक करके धुलाई करते हैं। ये देखिए, अपने हाथ से हम प्यार से करते हैं गाड़ी की सफाई। बाकी सर्विस सेंटर वाले ऐसे, उनको अगर ज़रा से दिक्कत लगी कि अगर टाइम से निकला नहीं तो उसके बाद वो जल्दीबाजी में उसको निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। और चेन में बहुत ज़्यादा डस्ट लगी हुई है मेरी, और उस डस्ट को भी साफ करूँगा मैं। ये देखिए, अब मैं इनका एक एक करके खोलता हूँ सारे पार्ट्स। पहले मैं सीट कवर निकालूँगा, सीट निकालता हूँ गाड़ी की। और सीट निकालने के बाद मैं फिर साइड कवर खोलता हूँ गाड़ी के। साइड कवर खोलने के बाद फिर ये करते हैं इसका साइड कवर ओपन, साइड कवर हो गया ओपन, ओके। अब नेक्स्ट साइड करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं गाड़ी का वॉक राउंड। तो अब इस तरह से दिख रही है अपनी गाड़ी, ये देखिए दोनों साइड से मैंने खोल दिया इसे, ठीक है। और सबसे पहले
एयर फिल्टर यहाँ से खोलेंगे इसको और एयर फिल्टर को निकालेंगे बाहर, और उसके बाद इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद देखते हैं क्या इसके अंदर डस्ट जमी है। डस्ट होगी तो उसे साफ़ करेंगे, और वैसे भी साफ़ करना ही है ये। तो इसको जल्दी से ओपन करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसको एयर फिल्टर को। तो ये रहा हमारा फिल्टर, निकाल के हमने रख दिया इसे, और इसको ज़रा साफ़ करते हैं नीचे रख के, इसमें धूल आ रही है। जो भी लोग होंडा साइन का यूज़ करते हैं तो उनको सर्विस बता दो, इसी तरह से सर्विस होती है। अदरवाइज अपने पैसे बचाना चाहते हो तो आप इस तरह से सर्विस कर सकते हो होंडा साइन में। वैसे आप हीरो की कोई भी गाड़ी है, होंडा साइन है, अदरवाइज हर गाड़ी का इसी तरह से पार्ट्स को साफ़ करना होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है सर्विस करने के बाद, सर्विस पे तो आप इस तरह से इसे साफ़ कर सकते हैं। अब इस पर कोई डस्ट नहीं है, ये सारा का सारा निकल चुका है। तो एयर फिल्टर हो गया साफ, और अब करते हैं इसकी धुलाई। पहले करेंगे धुलाई, पार्ट्स की धुलाई। सारे के सारे मैंने पार्ट्स निकाल दिए हैं इसके। ये रहा चेन कवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है, अंदर डस्ट दिख रही होगी इसकी। ये देखिए आप, अंदर है इसकी डस्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये कवर है इसका, और ये इसकी सीट कवर सीट। तो चलो लाते हैं फिर फटाफट, करते हैं इसको सफाई। और चेन कवर और चेन सेट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, चेन बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। ये देखिए आप, इसमें बहुत सारा डस्ट लग रखी है, तो इसलिए सबसे पहले इसको भी साफ़ करना है मुझे। और मेरे पास इसके टूल्स हैं, वो निकालूंगा और उसके बाद इसको साफ़ करूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं आगे वीडियो में। ये हमारा पाइप है, और गाड़ी पे ले जाते हैं सामान, गाड़ी को सफाई करने के लिए सामान का व्यवस्था करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे ओपन करेंगे। ये हमारा नल है, जैसे ही आपका ये एयर फिल्टर साफ हो जाता है इसके बाद तुरंत आप उसे पैक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पानी से गाड़ी धोते हो तो फिर उसके बाद आपके एयर फिल्टर में पानी जा सकता है और फिर बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसका मैंने शैम्पू डाल रखा है, और करते हैं इसको ज़रा घोलते हैं इसको पानी के साथ, और उसके बाद इसको करते हैं सफाई। कोई बाइक का स्पेशल शैम्पू नहीं है ये, ठीक है। ये मेरे घर का ही शैम्पू है, क्लिनिक प्लस वगैरह, कुछ भी आप इससे कर सकते हैं साफ। तो गाइस, साबुन मैं इस पर थोड़ा लगा चुका हूँ, और साबुन के साथ इसको क्लीन करना, साथ साथ में क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर साबुन के धब्बे लग जाते हैं, साबुन सूख जाती है तो धब्बे लग जाते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। गाड़ी में दाग दिखता तो अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए साथ साथ में, जैसे अगर धूप है तो आप साथ साथ में साथ कर सकते हैं, धूप नहीं है तो फिर आप ऐसे ही थोड़ी देर तक, जब तक आपकी गाड़ी में पूरा वॉशिंग नहीं हो जाती है साबुन से, तब तक उसे ऐसे रख सकते हैं। बट मैंने आधा टैंक तक कर लिया है, तो टैंक के बाद अब मैं इसको साफ़ कर रहा हूँ जो भी इस पर साबुन लगी है, बाकी आगे का मैं स्टार्ट करता हूँ।
तो गाड़ी की हो चुकी है पूरी सफाई। ये देखिए पूरी चमकने लग गई। अब लग रही है कि अब यूके बारह एक्सप्लोर देवभूमि की गाड़ी है ये, है नहीं? तो गाड़ी पूरी चमचमा रही है, बहुत मस्त और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो ये इसका चारों तरफ का राउंड आपको दिखा देता हूँ। ये तो गाइस करते हैं फिर वीडियो को यही क्लोज यार, हमारा आज का काम हो चुका है। तो फ्रेंड्स गाड़ी की हो चुकी है बढ़िया तरीके से क्लीनिंग, ज़बरदस्त तरीके से, अच्छे तरीके से। और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आज की वीडियो को करते हैं यही क्लोज और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय